अच्छी खबरों की शुरुआत आज जवानों के हौसले के साथ करते हैं। देश भर में मॉनसून आ चुका है, पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली हाईवे की हैं, जहां ब्यास नदी के तेज बहाव में आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हिमाचल में बारिश आफत बनकर आई है। कुल्लू मनाली हाईवे पर एक कार अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गई। इसकी सूचना जैसे ही आईटीबीपी के जवानों को मिली, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। नदी का बहाव तेज था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी के सहारे एक जवान नदी के तेज बहाव के बीच पहुंचने की कोशिश करता है। नदी को दोनों छोर पर जवानों ने रस्सी को संभाले हुए था। बारिश के कारण नदी पूरे उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बहा ले जाने पर अमर। आईटीबीपी के जवान के लिए ये किसी जोखिम से कम नहीं था। खुद को सुरक्षित करते हुए कार तक पहुंचना और कार सवार की जान बचाना, जवान ने हौसला नहीं हारा। नदी के दोनों छोर पर खड़ी टीम ने भी हिम्मत बनाए रखी। जैसे तैसे जवान बीच नदी में फंसी कार तक पहुंचा। कार में तीन लोग सवार थे, एक को बचा लिया गया जबकि दो अभी भी लापता हैं। नदी का बहाव इतना तेज था कि बचाव में काफी परेशानी आ रही थी, लेकिन जवानों ने मिशन जारी रखा और ब्यास नदी के तेज बहाव के बीच कार सवार को बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि पहाड़ों पर मौसम काफी खराब है और मौसम विभाग ने भी हिमाचल, उत्तराखंड और सभी पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जवानों की इस बहादुरी के बाद अब आपको खिलौनों को लेकर भारत की चीन पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में खिलौनों का 80% बाजार चीन संभालता है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है। किंतु अच्छी खबर यह है कि भारतीय खिलौना उद्योग अब चीन को टक्कर दे रहा है। साल 2021 में भारत का अपना खिलौना बाजार 135 करोड़ का हो गया है और 2027 तक इसके 273 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। और इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलौने बनाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इसी में पहले स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां सबसे ज्यादा खिलौने बनते हैं। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात का नंबर आता है। आत्मनिर्भर होते भारत के खिलौना बाजार को देखिए, फिर आपको चीन पर इसकी सर्जिकल स्ट्राइक को भी पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। पहले देखिए खिलौनों की दुनिया में भारत की उपलब्धि को। बचपन यानी राजा रानी की कहानी, गुड्डे गुड़ियों की शादी, इशारों पर नाचते भालू हाथी, छोटे छोटे घर, बर्तन हजार और चाबी से चलती मोटर कार। यकीनन खिलौने मासूम खुशी का खूबसूरत संसार बनाते हैं, लेकिन सच ये भी है कि इनकी बदौलत दुनिया में एक बड़ा बाजार आबाद है। और गुड न्यूज ये है कि अब भारत इस बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है। ये खुशी इसलिए बड़ी है क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक भारत में ज्यादातर खिलौने दूसरे देशों, खासकर चीन से आयात किए जाते थे, लेकिन अब देश का खिलौना उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। पिछले तीन वर्षों में खिलौना आयात में 70% की कमी आई है और इसी दौरान खिलौनों के निर्यात में करीब 61% का उछाल आया है। अभी तक मोटे तौर पर चीन पर निर्भर खिलौना उद्योग के लिए ये बड़ी कामयाबी है और ये केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम की वजह से ही हो पाया है। सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की हम लोगों के साथ आज की डेट में सपोर्ट है। हर तरीके से एमएसएमईज को बढ़ोतरी मिल रही है। उससे क्या हुआ कि जो नए नए स्टार्टअप थे, जो लोग अभी तक नया सेक्टर ढूंढ रहे थे या कुछ कर रहे थे, उन लोगों ने खिलौने के अंदर आना शुरू किया। खिलौना उद्योग में ये बदलाव रातों रात नहीं आया। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप की शुरुआत हो, इसके लिए मोदी सरकार ने मंथन किया। दुनिया के खिलौना बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई गई। खिलौना उद्योग के विकास के लिए सरकार ने जो नीति अपनाई, अब उसका फायदा दिखने लगा है। पहले देश में 90% तक खिलौने चीन से आया करते थे, लेकिन अब ज्यादातर खिलौने भारत में ही बन रहे हैं। कमाल तो ये है कि अब विदेशों में भी भारत के बने खिलौनों की डिमांड बढ़ गई है। जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है,
वो बहुत हेल्पफुल है, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, सब लोग जी जान से लगे रहते हैं, समय नहीं पता। वो बिल्कुल कहते हैं आपको क्या चाहिए, आप सारे प्रोडक्शन यहाँ पे करिए, इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और मैंने, हम लोगों ने भी कुछ उनको सजेशंस दी हैं कि आप लेके आएं जिससे और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी। खिलौनों का बाजार और उसमें भारत की संभावना को देखते हुए सरकार ने दो जरूरी कदम उठाए। पहले तो विदेशी खिलौनों पर ड्यूटी बढ़ाई गई और लगे हाथ लघु और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। सरकार की रणनीति कारगर साबित हुई और इसकी झलक हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए टॉय बिज एग्जीबिशन में नजर भी आई, जहां भारतीय स्टार्टअप्स के स्टॉल पर नए नए खिलौने देखकर दुनिया के कई देशों से आए लोग दंग रह गए। 2019 में 116 में से 90 स्टॉल विदेशी खिलौनों के हुआ करते थे, लेकिन इस साल 96 स्टॉल भारत के थे। जो देखने वाली बात रही, 96 काउंटर थे और 96 के 96 100% मेड इन इंडिया खिलौने थे, जिसको देखने के लिए वर्ल्ड ओवर से हमारे पास फॉरेन डेलीगेशंस थे, हमारे पास दुबई की टीम्स आई, हमारे पास अफ्रीका से टीम्स आई, हमारे पास अमेरिका से टीम्स आई, भूटान की टीम आई। इन लोगों ने, हम लोगों को, सभी को वहाँ पर बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, इससे इंडिया का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। देश में खिलौना उद्योग के विकास के साथ साथ एक दूसरा मकसद भी है। अभी तक ज्यादातर खिलौनों पर विदेशी छाप है, डिजाइन और कैरेक्टर भी ज्यादातर विदेशी ही होते हैं, लेकिन मजबूत होते खिलौना उद्योग के साथ उम्मीद की जा सकती है कि अब उनका भारतीयकरण भी होगा। खिलौने देश में बनेंगे तो उन पर भारतीय संस्कृति की झलक भी नजर आएगी। भारत में खिलौना उद्योग में रोजगार की अपार संभावना है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ स्थानीय यानी कि लोकल प्रोडक्ट को दुनिया का बाजार मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महज 3 साल यानी 2019 तक भारत खिलौने से जुड़ी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर था, पर साल 2020 देश के खिलौना उद्योग के लिए वरदान साबित हो गया और इसी साल भारत के खिलाफ अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए चीन ने गुस्ताखी की। जब उसके सैनिक 15-16 जून की दरमियानी रात को लद्दाख की गलवान घाटी में घुस आए, उन्होंने कायराना तरीके से गश्त लगाकर भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। चीन के इस गुस्ताखी की वजह से हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी। इस दौरान भी निहत्थे भारतीय जवानों ने चीनी सेना को कभी ना भूलने वाला सबक दिया था। कई घंटों तक चली इस हिंसक झड़प में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी। हमारे वीर जवानों का शौर्य देखकर चीनी सैनिकों की रूह कांप गई थी। चीन के इस दुस्साहस के खिलाफ सरहद से लेकर सड़क तक गुस्सा बढ़ गया। भारतीय जवानों की शहादत का हिसाब लेने की मांग के साथ ही चीनी सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया, जिसमें चीन में बनने वाले खिलौने भी शामिल थे। तब खिलौनों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता 90% थी, यानी भारत अपनी 90% जरूरत चीन में बने खिलौनों को आयात कर पूरी करता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दूसरे देशों में बनने वाले खिलौनों की तुलना में चीन के खिलौने काफी सस्ते हुआ करते थे और वो भी लेटेस्ट ट्रेंड वाले। इसका मतलब ये कि चीन डिमांड के हिसाब से भारत समेत पूरी दुनिया की जरूरत को अच्छी तरह से समझता है और यही वजह रही कि दशकों तक भारत में चीन में बने खिलौने छाए रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021-22 में भारत ने करीब 817 करोड़ के खिलौनों का आयात किया, जिसमें चीन से सिर्फ 443 करोड़ के ही खिलौने आए। वहीं अगर साल 2020 और 21 की बात की जाए तो भारत ने पूरी दुनिया से करीब 1317 करोड़ के खिलौने इंपोर्ट किए थे, जिसमें चीन से 980 करोड़ से ज्यादा के खिलौने खरीदे गए। यानी 2020-21 वाले वित्तीय वर्ष में भारत में बाहर से आने वाले कुल खिलौनों में 74% हिस्सेदारी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 की बात करते हैं, जहां भारत ने दूसरे देशों से 2431 करोड़ के खिलौने मंगवाए, जिसमें करीब 1856 करोड़ के खिलौनों के साथ चीन की हिस्सेदारी 76% है। 4 साल पहले यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए,
कुल 2601 करोड़ के खिलौने भारत में आयात हुए, जिसमें सिर्फ चीन से ही 2024 करोड़ के खिलौने शामिल हैं। यानी खिलौनों के कुल आयात का 78% सिर्फ हमारे पड़ोसी चीन से ही आया था। पर सिर्फ 4 साल में ही भारत के खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी घटकर 54% आ गई है। investindia.gov.in का मानना है कि कुछ सालों में ही भारत में खिलौनों की घरेलू मांग 10-15% की दर से बढ़ेगी, जबकि अगर दुनिया की बात की जाए तो खिलौनों से जुड़ी मांग सिर्फ 5% की ही दर से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल तक पूरी दुनिया में खिलौनों का बाजार $291 अरब यानी कि करीब 23 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी $1.5 अरब यानी कि 11,600 करोड़ रुपए की थी। लेकिन जिस तरह भारत में बनने वाले खिलौनों की मांग अमेरिका और यूरोपीय देशों में बढ़ी है, वो मेक इन इंडिया के तहत तेजी से फल फूल रहे खिलौना उद्योग के लिए शुभ संकेत है। सिर्फ वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के खिलौना निर्यात में 61% के उछाल से जुड़ा आंकड़ा आंखों को सुकून देता है। 2014 में लॉन्च हुई मेड इन इंडिया स्कीम का फायदा वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों से जुड़े उद्योगों को भी पहुंचा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बनारस में बनी लकड़ी की गुड़िया और गुड्डों की काफी मांग है, जिससे खिलौनों की काफी तेजी से मांग वहां पर बढ़ गई है। जीआई टैग मिलने के बाद तो ये कारोबार 30% से ज्यादा बढ़ा है, जिससे 5,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वाराणसी के कश्मीरीगंज और खोजवा इलाके में तैयार होने वाले खिलौने 20 देशों में जाते हैं। हालांकि 5 साल पहले लकड़ी से बने खिलौनों की यह कला अंतिम सांसें ले रही थी, लेकिन भारत सरकार की मेड इन इंडिया और योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की वजह से इस कला को दोबारा पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। लकड़ी के खिलौनों की दुनिया से जुड़े लोगों से बात की मेरे सहयोगी शिल्पी सेन ने। हम एक बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो बेहद खास है। जीआई टैग ये जो कलाकृतियां भी हम इनको कह सकते हैं, लेकिन खिलौने इनको कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बनारस के जो लकड़ी के खिलौने हैं दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन क्या बदलाव इसमें आया है, तो इसके लिए हम बिहारी लाल अग्रवाल जी से बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरी सीरीज है, राम दरबार है, स्वयंवर हो रहा है राम और सीता का, और कई चीजें यहाँ पर हमको दिख रही हैं, विष्णु का विराट रूप है। तो बिहारी लाल अग्रवाल जी, क्या बदलाव आया है बनारस के, अगर हम लकड़ी के खिलौनों की बात करें उसमें? इंडियन टॉय फेयर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की थी कि हम लोग बनारस में जो खिलौने बनते हैं क्यों इस पे ऐतिहासिक चीज बनाएं, जिसमें उनको इस इतिहास के बारे में पता भी चले और घर में लोग लगाएं। तो वहाँ से हम लोग को प्रेरणा मिली, तो हमने भगवान श्री राम के, भगवान कृष्ण के काफ़ी जो लीलाएं उनको हम लोग बना रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने भगवान की लाइन में बनाया, भगवान कृष्ण का विराट रूप बनाया है और राम दरबार बनाया है, काफ़ी लीलाएं बना रहे हैं। नहीं, ये तो लीलाएं हमको दिख रही हैं, विराट रूप भी और सीताराम स्वयंवर भी और राम दरबार भी, लेकिन जो छोटे छोटे हमको यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए गोवर्धन लीला, यहाँ मथनी का और गणेश जी का भी हम देख रहे हैं, उधर वासुदेव जी दिख रहे हैं। तो ये जो पौराणिक कैरेक्टर्स हैं, ये इतने ज्यादा क्या इनकी डिमांड बढ़ी है इधर कुछ पौराणिक कैरेक्टर्स की? बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि बनारस में पहले बनते कुछ लिमिटेड खिलौने बनते थे, लेकिन बाद में जब हमने पौराणिक कथा से जब हमने कैरेक्टर बनाना चालू किया तो इसकी मांग ज्यादा बढ़ गई, तो काफी फर्क आया है। और को मैंने आपको बताया ना कि अभी जो इंडोनेशिया जर्मनी में G7 समिट में हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को राम दरबार भेंट किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा कि बनारस में हम लोग का कहाँ से बना हुआ राम दरबार किसी देश के राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है, बनारस के लिए सम्मान की बात है कि एक हमारे हम जैसे आर्टिजन का बना हुआ चीज बाहर लिया जा रहा है।
और बहुत अच्छा लगा था, तो बहुत खुशी मिलती है और हम लोग कार्यक्रम में उत्साह भी है और हम लोग काफी चीज और बनाने की प्रेरणा मिला है और काफी चीज बनाने। अच्छा, यहाँ हमें पीछे भी जो ये दिख रहे हैं पौराणिक ये सब कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, तो जो बदलाव आया है उससे आपको लगता है, मतलब घरेलू अगर हम मार्केट की बात करें तो किस तरह के खिलौनों की मांग है या किस तरह के पीसेस की मांग है, और बाहर आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, वहाँ किस तरह के पीसेस की मांग है? देखिए, बाहर में या इंडिया की बात करेंगे, साउथ साउथ इंडिया में और बंगाल में और महाराष्ट्र में, जैसे बताया कि जो हमने जो इसकी सीरीज जो बताया ना, भगवान की सीरीज, ये लोग घर में सजा रहे हैं और मंदिरों में भी रख रहे हैं। और हमने बात किया, देखिए जैसे ये हैंगिंग गॉड, ये है भगवान के हैंगिंग गॉड, ये भी हम लोग जापान भेज रहे हैं। जापान भगवान गणेश जी चिड़िया बैठे हुए, चूहे पर बैठे हुए दो कैरेक्टर में है, और भगवान विष्णु का, तो वहाँ घर में जापान में लोग घर में लगा रहे हैं इस तरह के। तो हमें बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं हैंगिंग हैंगिंग गॉड इनको आप कहते हैं, ये बाहर लोग, इसकी डिमांड है बाहर इस तरह की, डिमांड आ गई है क्योंकि लोग भगवान गणेश हो गया, हनुमान जी, शंकर जी को पसंद करते हैं, तो बहुत बाहर जा रही है। और ये हैंगिंग गॉड बन रहा है, अभी हमारे पास 2000 पीस का ऑर्डर आया है और बहुत अच्छा है कि देखिए बाहर लोग क्या करते हैं, घर में मंदिर भी टांग रहे हैं, घर भी टांग रहे हैं, तो विदेशों में जब इसकी मांग बढ़ गई है, जापान में जा रहा है, हमारा सिंगापुर जा रहा है, तो बहुत और अच्छा। कौन कौन से देश में जाता है? अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में भेजा भी है और हमारा फ्रांस में भी माल जा रहा है, तो काफी कदम जा रहे हैं, भगवान की मूर्तियां जा रही हैं और कुछ जा रहे हैं जो जैसे देखा जाए हमारे बीच 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 पर रखिए, ये रखे हैं ऑटो है, ट्रक है, इस तरह के आइटम काफी बाहर विदेशों में जा रही है। यानी ये खूबसूरत रंग बिरंगी जो चीजें हैं, रंग बिरंगे जो खिलौने हैं हम कह सकते हैं, ऑटो है, ट्रक है, ये सारी भी चीजें बाहर जा रही हैं और घरेलू मार्केट के लिए भी हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, जैसे ये ऑटो है, ये अलग बना हुआ है, और ये जो मूर्तियां हैं, ये जो छोटे छोटे ये भी बने हुए हैं, हम कृष्ण जी को, बाल गोपाल को देख रहे हैं, तो इनमें किस तरह की लकड़ियों का प्रयोग अलग अलग होता है? इसमें हम लोग गुल्लर की लकड़ी, लिप्टस की लकड़ी और चिल्बी की लकड़ी यूज करते हैं, ये लकड़ियां खराब नहीं होती हैं, ये तीन प्रकार की लकड़ियां जो यहाँ उपलब्ध होती है उसमें हम लोग बनाते हैं, ये चीज बनाते हैं ये चीज, और उसके उसके बाद आप उनकी डिजाइनिंग करते हैं, तो ये क्या तय होता है कि कौन सा खिलौना किस लकड़ी का बनेगा, या कोई भी खिलौना किसी भी लकड़ी का बन सकता है? मूर्तियां बनाने के लिए गुल्लर की लकड़ी अच्छी पड़ती है, उसमें क्या कि फिनिशिंग आती है, मान सफाई आती है, तो मूर्तियां बनाने में लोग गुल्लर की लकड़ी यूज करते हैं। और जैसे ऑटो ट्रक बनाने के लिए जो होते हैं इसमें होता है, इसमें लोग लिप्टस की लकड़ी और विभिन्न वगैरह के यूज करते हैं। अच्छा, ये जो बदलाव आए हैं इसके क्या फैक्टर्स हैं, मतलब क्या क्या बदलाव आया है इसमें? देखिए, बनारस में खिलौने की बात किया जाए तो बनारस में लोग जानते रहे कि कुछ खिलौने मिलते हैं, लेकिन जब से आप बात किया जाए कि देश के पहले से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले टॉय फेयर में खिलौने की बात किया, उन्हें बोला कि इंडिया में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, हम लोग चाइना को डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि जापान जो चाइना खिलौना है तो कोई रंग रूप नहीं होता है, हमारे रंग रूप में क्या, हमारे में कलर होते हैं, हर चीज अलग अलग होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, हम लोग उसको बना सकते हैं। अभी मोदी जी ने बताया था कि कुछ ऐसे खिलौने बनाइए कि बच्चे उसको खेलें और उसमें जिए, क्योंकि बच्चे जो खिलौने, और उन्हें ये भी बताया कि जो माता पिता होते हैं वो भी खिलौने में जब कुछ समय बच्चों खेलेंगे तो उनको भी बहुत आनंद आएगा। और बात करते हैं गेहूं के आटे के निर्यात पर लगी रोक की। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे के अलावा मैदा और सूजी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। इसके लिए डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 जुलाई से ही मैदा, सूजी और आटे के निर्यात पर लगी रोक लागू हो जाएगी। 7 दिन बाद आटे, मैदे, सूजी के एक्सपोर्ट के लिए निर्यातकों को गेहूं पर बनी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी से इजाजत लेनी होगी। हालांकि इस दौरान भी गेहूं के आटे के निर्यात को लेकर मौजूदा फ्री की नीति भी बनी रहेगी। गेहूं या आटे के कारोबार से जुड़े निर्यातकों को उसे देश से बाहर भेजने के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। सरकार के इस फैसले के पीछे उसका एक फैसला ही है। 13 मई यानी करीब 2 महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। सरकार की तरफ से यह कदम गेहूं की उपलब्धता और उसकी कीमतों को काबू करने के लिए उठाया गया था। हालांकि सरकार के फैसले का कारगर असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जब गेहूं के निर्यात पर रोक लगी तो उससे बनने वाले आटे के एक्सपोर्ट में तेजी आ गई।
जिसकी वजह से एक बार फिर से गेहूं की उपलब्धता और उसकी बढ़ती कीमत का संकट खड़ा हो गया। जिस पर सरकार ने गेहूं के आटे के अलावा मैदा और सूजी के निर्यात पर रोक से जुड़ा फैसला लेना पड़ा ताकि गेहूं से जुड़ा खाद्य संकट पैदा न हो जाए। जिस तरह की स्थिति पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होते ही पैदा हो गई थी, दरअसल दोनों देशों के सैन्य टकराव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी कीमतों में 60% तक बढ़ोतरी देखी गई और इसका असर देश में गेहूं की कीमतों पर पड़ने लगा, जिसकी वजह से 13 मई को केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। अब गेहूं के आटे के अलावा मैदा और सूजी को लेकर भी ऐसा ही फैसला किया गया है, जिसके खाद्य सुरक्षा पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ नई पाबंदियों के जरिए देश में गेहूं की कीमतों में भी सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की कर लेते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ तोहफों की सौगात लेकर पहुंचे। अलग अलग योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ वक्त बिताया और अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन भी किया। इस रसोई की खास बात यह है कि इसमें हर रोज 1 से 1.5 लाख बच्चों के लिए नाश्ता और मिड डे मील तैयार किया जाएगा। काशी में इस रसोई को 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ताकि बनारस के स्कूली बच्चों को हर रोज स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिल सके। और इस दौरे की सबसे आकर्षक तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ छात्रों की ही रही हैं। छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिभा को भी दिखाया। किसी ने शिव तांडव स्तोत्रम सुनाया तो किसी ने प्रधानमंत्री को ढोल बजाकर दिखाया। काशी के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को क्या सौगातें दी हैं, कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, किनका उद्घाटन किया, देखिए। I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me. And I want you to know. ये नए भारत की काशी है, अनुपम अनूठी और निराली काशी है। धर्म और संस्कृति की अद्भुत विरासत समेते भोले की काशी अब विकास की नई कहानी लिख रही है। विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 4 महीने बाद एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और काशी वासियों को करोड़ों की सौगात दी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एलजी कॉलेज परिसर में अक्षय पात्र किचन का लोकार्पण किया और वहां मौजूद स्कूलों के छात्रों से बातचीत की। देश के प्रधानमंत्री को साथ देख छात्रों में जोश आया और अपनी प्रतिभा को दिखाने में पीछे नहीं रहे। किसी ने शिव तांडव सुनाया, किसी ने कविता और भजन का पाठ किया। काशी के सरकारी स्कूल में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी बच्चों की इस प्रतिभा को करीब से देखते रहे और बच्चों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चारों ओर से घेर लिया और एक के बाद एक अपने हुनर दिखाते रहे। छात्रों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री सिगरा के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान के केंद्र काशी में अर्थव्यवस्था, विकास और संस्कार के लिए शिक्षा को संकुचित दायरे से निकालने के लिए कहा है। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहां अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे, बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल
केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। कन्वेंशन सेंटर के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। दरअसल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प किया जाना है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इस स्टेडियम में वाराणसी सहित पूर्वांचल की युवा प्रतिभाएं 20 से ज्यादा इंडोर गेम्स खेल सकेंगी। इसीलिए स्टेडियम में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान काशी के कई खिलाड़ी भी मौजूद दिखे। स्टेडियम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। वाराणसी को प्रधानमंत्री करीब 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। खबर के मुताबिक 30 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री ने 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुर्गाकुंड स्थित राजकीय वृद्धाश्रम में बना दादी पोता थीम पार्क का लोकार्पण भी किया। इस थीम पार्क के पीछे सोच ये है कि अनाथ बच्चों को दादी माँ का प्यार मिल सके और साथ ही अपनों से अलग रह रही बुजुर्ग महिलाओं को भी अकेलापन न सताए। इन तमाम सौगातों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस को नाइट लाइफ का भी तोहफा दिया। काशी का ये नया नाइट बाजार वाराणसी के विकास में एक नया मुकाम माना जा रहा है। वहीं बनारस में पुराने घाटों को नया रूप दिया जा रहा है। गंगा किनारे चुनार के गुलाबी पत्थरों से बने दशाश्वमेध भवन को भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पित किया। दशाश्वमेध भवन में काशी की पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। काशी आने वाले पर्यटकों के बैठने, खाने पीने से लेकर शॉपिंग तक का इंतजाम किया गया है। जाहिर है काशी विकास की राह पर है और जल्दी ही काशी भी महानगरों की तरह आकर्षण का केंद्र होगी। काशी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे।